रुपेंजल की कहानी। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने अपने शोहर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसका शोहर ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लेट्यूस का पत्ता खाना है। जब तक मैं अपने पड़ोसी के बाग का मजेदार सलाद नहीं खा लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसका शोहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन बेचारा शोहर ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये बात कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए चुड़ैल कैमिला सिर्फ सोने की चीजों को छू सकती थी। इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चमचे, कांटे और लैंप सब कुछ सोने से ढक दिया। यहाँ तक कि वो कुर्सी भी सोने की थी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी बीवी के लिए कुछ लेट्यूस के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना लेट्यूस ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरी हुए तो मैं इसे लूंगी, वो बच्चा मेरा होगा। शोहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने उस चुड़ैल की बात मान ली और उसने दुआ की कि उसकी बच्ची के बाल सुनहरे ना हों। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसका नाम रुपेंजल रख दिया। कैमिला को ना जाने ये कैसे पता था कि बच्ची के बाल सुनहरे होंगे, इसलिए वो उन दोनों से बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रुपेंजल की देखभाल बहुत अच्छे से की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएं, क्योंकि वो बालों की लंबी लठें लेती और इसे अपने जादू में पकाती और उससे उसके बाल सोने में बदल जाते थे। मेरा जादू इस बालों को सोने में बदल देता है, अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। गहरे जंगल में कैमिला ने एक बड़ा लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रुपेंजल को कैद कर रखने के लिए, ताकि उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थीं, ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था बस एक खिड़की के साथ। रुपेंजल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब भी कैमिला उससे मिलने आती तो वो उसे नीचे से बुलाती, रुपेंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रुपेंजल अपने बालों को खिड़की से नीचे फेंकती और कैमिला उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे पकड़कर टावर तक आ पहुंचती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं है? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और भी बहुत सा खतरा है बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी।
एक दिन गांव का सबसे खूबसूरत शहजादा रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रैपंज़ेल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। जंगल में शहजादे को एक गाने की आवाज आई और वो रुक गया। ये आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगा। वो तब तक चलता रहा जब तक वो टावर के नीचे नहीं पहुंचा, जहां रैपंज़ेल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी, तो शहजादे को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर उसे दरवाजा कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंच गई। इसलिए शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि वो उस कैमिला चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था। अरे नहीं, ये तो कैमिला है, एक खतरनाक चुड़ैल। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रैपंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रैपंज़ेल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। अगले दिन शहजादा टावर पर फिर से आया। वहां पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रैपंज़ेल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रैपंज़ेल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने फिर भी बालों को नीचे फेंक दिया। शहजादा रॉब जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको वो गाना गाने वाली आवाज को ढूंढना था। ये तो काफी मुश्किल चढ़ाई है। रैपंज़ेल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, उस चुड़ैल और इस सीढ़ियों की वजह से। ओ नहीं, मैं रैपंज़ेल नहीं हूँ, मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। ओ नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिक्र नहीं करो, मैं कोई खतरनाक जानवर या तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ सुनी और देखना चाहता था कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शहजादी की बातों ने रैपंज़ेल के दिल को नरम कर दिया, और अब रैपंज़ेल को उससे डर बिल्कुल नहीं था। क्या तुम बाहर घूमने, बाहर के नज़ारे देखने और खूबसूरत जानवरों से मिलने मेरे साथ इस टावर के नीचे जाना चाहोगी? रैपंज़ेल सालों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने शहजादी की बात को फौरन मान लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची। वो रैपंज़ेल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को पहले से ही नीचे देखा। मुझे लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए पहले से बाल लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही, क्योंकि वो जल्द से जल्द रैपंज़ेल के पास जाना चाहती थी। जब वो रैपंज़ेल के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई। रैपंज़ेल अब वहां नहीं थी, उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना चला गया, अब मैं क्या करूंगी? रैपंज़ेल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार से बांध दिए थे, ताकि वो और शहजादा एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में थक हार कर रैपंज़ेल के कटे हुए बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करेगा, क्योंकि बाल कटे हुए हैं।
बालों को सोने में तब्दील करने के लिए जड़ें होनी चाहिए। और उसी वक्त शहजादा रॉब और रुपेंजल शहजादे के महल में जा पहुंचे और शहजादे ने सब बताया अपने माँ बाप को, यानी बादशाह और महारानी को। बादशाह ने कहा कि उन्होंने एक किसान और एक बूढ़ी औरत से रुपेंजल का नाम सुना था, तो शहजादा फौरन ही रुपेंजल को उसके असल घर उसके घर में उसे ले गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपेंजल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसके गरीब माँ बाप ने दरवाजा खोला और रुपेंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। भयानक चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए, लेकिन आखिरकार तुम घर आई गई बेटी। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप है बेटी। रुपेंजल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि कैमिला का क्या हुआ होगा जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी रुपेंजल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोना बन जाते हैं। सिंड्रेला की कहानी। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलेस बेटियां थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो। जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती, स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी, सिंड्रेला को दो चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है। और मेरा नाम है मोज़रेला। और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोगों को चीज बहुत पसंद है। मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे एक घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी, लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे
सीढ़ियों से नीचे उतरी और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सके। अरे नहीं चूहे! आओ मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, यहाँ एक नहीं दो दो चूहे हैं। अम्मी बचाएं! लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला, सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो। लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगी। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए। तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बाउल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए। सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद है। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए।
मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल, अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताई। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पंपकिन की कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उसे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ए खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस करके बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई। जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था, लेकिन शहजादे लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगी, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया
कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है। वो तुम ही थी और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे।